नाप्यनुमानम प्रमाणम, अनुमान भी प्रमाण नहीं है। क्यों? ईश्वरस्य अप्रत्यक्षतया तन्य तस्य केनचित् लिंगेन सहचार दर्शन भावेन व्याप्तिग्रह संभव। क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष होता नहीं, इसे वह किसी भी लिंग से हेतु के साथ उसका सहचर्य दर्शन माने व्याप्ति ग्रहण करना संभव ही नहीं है। जब व्याप्ति ग्रह ही नहीं होगा अनुमिति कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। नवा उपमानम का प्रमाणम, माने उपमान प्रमाण ले लो, उसके सदृश को दूसरे को बता दें उसके समान ये है। जैसे गो सदृश हो गवया तद्वत अमुख्य सदृश ईश्वर है, कहते ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपने कहा ना तो उसके समान कोई है न उसे बढ़कर कोई है। श्वेता शब्द मंत्र है ना, न तत्समो नाभ्यधिक उसके बराबर भी कि नहीं तो उसे बढ़कर कोई कहाँ से आ जाएगा। तो जब समान कोई दूसरा है ही नहीं, बढ़कर भी कोई दूसरा है ही नहीं, तो सादृश्यम कहाँ से है? वही कह रहा है ईश्वर तुल्यस्य कश्चित् अभावेन सादृश्य ज्ञान असंभव। ईश्वर का तुल्य कोई दूसरा है ही नहीं, अतः सादृश्यता नहीं दे सकते हैं, उपमान प्रमाण प्रयोग नहीं हो सकता। नापि शब्द प्रमाणम, श्रुति प्रमाण कहोगे, श्रुतियां प्रमाण है ईश्वर की सिद्धि में। कहते श्रुतियां तो बेचारा हमारे मत में तो ईश्वर की तरह निर्मित है, वो हमसे निर्मित वस्तु हमारे लिए प्रमाण थोड़ा बनेगा, हमारा प्रमाण नहीं बनेगा। जो हमसे निर्मित नहीं है वो कहें तो मानी जाए। अब हम स्वयं लिख दें मैं हूं मैं महान हूं, अरे स्वयं के लिखने से क्या हो जाता, महान हो जाएगा कोई? अब ईश्वर लिख दिया मैं ईश्वर हूं, उसके लिखने से थोड़ा उसको ईश्वर माना जाएगा। क्योंकि नैयायिकों के मत में वेद जो है अपौरुष ही नहीं है, नित्य भी नहीं है, सापेक्ष नित्यता है। क्योंकि हर कल्प का ईश्वर अलग होगा, दाता है तपुरम अकल्प, सब दोबारा उसको बोल रहा है। तो ईश्वर निर्मित मानते हैं वेद को, ईश्वरोक्त तत्त्व सर्व वाक्यम प्रमाणम। तरसंग में क्या पढ़ा आपने, वेद में ईश्वरोक्त होने के नाते वेद को प्रमाण मान रहे हैं, नहीं तो वेद को प्रमाण नहीं मानते। नहीं आई ईश्वर ने कहा है वेद को, इसे वेद प्रमाण है। यही पकड़ा इन्हीं नैयायिकों के आधार पर सभी है। मुसलमान में क्या कहता है, और ईश्वर के दूत ने कहा है इसलिए प्रमाण। ये क्रिश्चियन भी कहते हैं भगवान का बेटे ने कहा है बात, भगवान का बेटे ने कहा, भगवान ने ऐसे कहा है इसलिए मान लिया उन्होंने। जीसस ने जो कहा उसे भगवान ने कहा है, भगवान के बेटे ने कहा कि मेरे पिता ने ऐसे बताया। तो सब ईश्वर वचन होने से वो अपने धर्मशास्त्रों को प्रमाणिक मानते हैं। ये सब नैयायिकों के आधार पर ये देख लो, नैयायिक यही कहते ईश्वर का वचन होने से मेरे लिए वेद प्रमाण है। फिर ईश्वर प्रमाण कहाँ से आएगा? अरे वेद को ईश्वर के लिए प्रमाण करके नहीं दे सकते। जब वेद अपौरुषे हो तब तो ईश्वर के लिए प्रमाण बन सकता है कि अनिर्मित है, किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं। न वेद से कर्ता न स्मरता रहा, स्मृतिकारों ने कहा है वेद का न कोई कर्ता है न कोई स्मरता है, स्मरण किया है। उस स्थिति में क्या है, वेद ईश्वर के अस्तित्व में आत्मा के बारे ब्रह्म के बारे प्रमाण बन सकता है। जब ईश्वर निर्मित मानोगे तो उसमें ईश्वर के प्रति स्वयं प्रमाण नहीं हो सकता, स्वयं की कृति स्वयं के प्रति प्रमाण नहीं होता। इसे कहते देखो द्यावा भूमि जनियन देव एक इत्य श्रुति नाम ईश्वर उच्चरित्वेन प्रामाण्यात्। ऐसे श्रुतियां ईश्वर में प्रमाण नहीं है किंतु ईश्वर उच्चित उच्चरित होने से ये वाक्य प्रमाण हो रहे हैं। ईश्वर सेव संदिग्धत्व न, अब आप ईश्वर की सिद्धि नहीं हुई है, हम अनुमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं, आप कोई प्रमाण नहीं है इसमें। तो जब ईश्वर ही संदिग्ध है उसके द्वारा उक्त वचन रूपा वेद भी संदिग्ध हो जाएगा, प्रमाण कैसे हो गया? गुरु पक्ष बड़ा तगड़ा है यहाँ, ईश्वर से भी संदिग्धत्व ना तदुक्त श्रुति नाम प्रामाण्य संदेहात, संदेह होने से। तथा च इसका निष्कर्ष क्या निकला, चार प्रमाण नहीं है एक मानते हैं, चतुर्विध प्रमाण अगोचरत्व, चारों प्रमाण में से किसी भी प्रमाण का विषय न होने से ईश्वरस्य वस्तु नैव असत्वात्, ईश्वर नाम का वस्तु ही नहीं रह गया तो कथम स जगत कारणता भाग, उसको आप जगत के निमित्त कारण कैसे कह दिए? इत्यतः तब मूल में आया जवाब एतेन ईश्वर प्रमाण भी दर्शितम भवति। एतेन मने एतेन
संसार बहिर्हस्य बीजाय चतुर्थ पाद तस्मै कृष्णाय नमः तृतीय पाद संसार बहिर्हस्य बीजाय ये चतुर्थ पाद ये थे ना जिसके हमने पहले वाक्य किया ना संसार एव महिरो वृक्ष तस्य बीजाय निमित्त कारणा इत्यर्थः अर्थात ना तेन माने उस वाक्य के द्वारा संसार बहिर्हस्य बीजाय चतुर्थ पाद वाक्य है उसके द्वारा जो है वो वाक्य क्या है ईश्वरे प्रमाणमपि दर्शितम उस वाक्य के द्वारा ईश्वर में प्रमाण भी दर्शा दिया गया है। तथा ही कैसे दर्शा दिया भाई आपने उस वाक्य से प्रमाण कहां से आ गया वो तो सीधी सीधी बात कह सुनाई दे रहा है वहां तो संसार में पेड़ का वह बीज है ऐसे उस बीज ये मेरे नमस्कार है तो सीधा लग रहा है वहां तो कोई प्रमाण तो नहीं महसूस होता कहते वहां उसी में हेतु छिपा पड़ा है निमित्त कारण है ना बीजा कर निमित्त कारण कर दिया हमने इसलिए कर यथा घटादि कार्यम कर्तृजन्यम जैसे घटादि कार्य कैसा है कर्ता से जन्य है तथा चित्यंकुरादिकम अपि उसी प्रकार से पृथ्वी अंकुर आदि सभी पदार्थ सारा संसार ही इसलिए क्या है कोई न कोई कर्ता से जन्य है और वह कर्ता कौन है हम लोग आप लोग विशिष्ट देवता आदि कोई नहीं हो सकता इसलिए सबसे अलग एक ईश्वर को मानना पड़ेगा इस जगत कर्तृत्व न हमें ईश्वर को आप टीका देंगे जगत कारणत्व प्रतिपादन न ये तेन मैंने जगत के कारणत्व का प्रतिपादन करने से कौन वाक्य ने किया चौथे पाद ने संसार महिरोस्य बीजाय कह करके जगत का कारण उस ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं यह कहने से यह सिद्ध हो रहा है ईश्वरे अनुमान रूप प्रमाण प्रदर्शित होती ईश्वर में अनुमान रूप प्रमाण दर्शा दिया गया है तच्च नवविधम वह अनुमान भी एक नहीं यहां तो एक ही को दर्शा दिया कारणत्व दिखा करके कार्यत्व हेतु को देख करके जगत का कारण ईश्वर है क्यों यह जगत एक महान कार्य होने से विलक्षण कार्य साधारण कार्य ना असाधारण कार्य तो किसी भी मानव देवता आदि गंधर्व आदि से संभव नहीं एक हेतु नहीं नौ हेतु दिया उन्होंने वहां पर नवविधम उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि पंचम स्तबक के अभिहितम न्याय कुसुमांजलि के पांचवें स्तबक में बात कहा गया है कार्यायोजन धृत्यादे पदात् प्रत्यत श्रुते है वाक्य संख्या विशेषाच साध्यो विधिवत साध्यो विश्वविदव्य देखो कार्य ये सब पंचमी है ना इसको पंचमी अर्थ ले लेना कार्यात आयोजनात् धृते है आदि भी कह दिया आदि से लेना नाशात मतलब पृथ्वी का संसार का नाश होता है ना प्रलय होता है पदात प्रत्ययतः श्रुते है वाक्यात संख्या विशेषाच न हो जाएगा कार्याद एक आयोजना दो धृते है तीन नाशात चार पदात पांच प्रत्ययत छह श्रुते सात वाक्यात आठ संख्या विशेषाच नौ इसके द्वारा विश्ववित विश्व को जानने वाला कि जो जानने वाला होता है वही करने वाला होता है जो जानता है वो करेगा कहां से इसलिए विश्ववित कह दिया विश्व को जानने वाला और होगा कैसे वो जानने वाला अव्यय अव्यय होगा वो साध्य रूपेण इन हेतु सिद्ध हो जाता है इन हेतुओं से विश्व को जानने वाला विश्व का निर्माता जो अव्यय है नित्य है वह ईश्वर की सिद्धि हो जाती है कैसे समझाएंगे देखो अत्र कार्यत्व हेतु को प्राथमिक अनुमान आह उनमें से एक ही अनुमान ले रहे हैं कार्यत्व का अनुमान जो पहला हेतु है नौ में से पहले मात्र को मुक्तावली में दर्शाया जा रहा है बाकी आठ की यहाँ चर्चा नहीं करेंगे संक्षेप में बाद में कहेंगे सभी हेतुओं का अनुमान दिखा देंगे टीकाकार लोग बताएंगे मूल में तो है ही नहीं घटादि कार्यम इति पदद्वयम घटादि क्या है कार्य मूल में अलग अलग पद समझना ये कह रहे हैं पद द्वयम क्यों करें घटादि कार्य में एक पद नहीं पाठ करना अलग अलग पद समझना यथा
घटादि कार्यम भवति, और यतः कार्यम तस्मात् कर्तृजन्यम, जिसलिए घटादि कर्तृजन्य कार्य हैं, इसलिए संसार भी कार्य होने के नाते कर्तृजन्य है। इस तरह से मूल वाक्य को घटाना है, इसी वजह से घटादि कार्य में एक पल नहीं समझना। एक तो दृष्टांत हो गया ना, घटादि क्या है दृष्टांत है, और कार्य क्या है हेतु, कर्तृजन्यत्व साध्य, इसे दो अलग पद मानने पर बता सकेंगे आप। इसे घटादि कार्यम इति पदद्वयम् तत्र कार्यपदम हेतु बोधकम्, उसे भी कार्यपद क्या है हेतु का बोधक है। तस्य तादात्म्य व्याप्यतायाम विवादात कार्यम इत्यस्य कार्यत्वच्छिन्नम् इति अर्थकत्वा। ये समस्या क्या होगा, यहाँ पर पूरा जगत क्या है कार्य, पक्ष भी कार्य है हेतु भी कार्य, गड़बड़ हो जाएगा, पक्ष और हेतु बराबर हो जाएंगे, इसलिए अवच्छेद का भेद करना पड़ेगा पक्ष में और हेतु में। इसलिए कह रहे हैं ये तादात्म्य व्याप्यता, तादात्म्य से व्याप्यता बनाएंगे तो विवाद हो जाएगा, इसलिए कार्यम इत्यस्य कार्यत्वच्छिन्नम इति अर्थकत्वात्, कार्यम कर्तम क्या करेंगे कार्यत्वच्छिन्न संपूर्ण कार्य ले लेंगे। कार्यत्रूप हेतु लभ्यते, कार्यत्रूप हेतु हमें प्राप्त हो गया। तथा च यथा घटादिकम कार्यत्वात् भवति कर्तृजन्य, इसे वाक्यार्थ क्या बनेगा, जिस प्रकार से घटादि जो है कार्य होने के नाते कर्तृजन्य है, तथा चित्यंकुरादिकम अभी कार्यत्वात् भवति कर्तृजन्यम इति अर्थलाभात्, चित्यंकुरादि भी कार्य होने के नाते अवश्य कोई न कोई कर्तृजन्य है, यह अर्थलाभ हो जाता है। इस अर्थलाभ के आधार पर अनुमति इस तरह से लिखेंगे अनुमान को, चित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत् इत्यनुमान फलितम, यह अनुमान सिद्ध हो गया। अब इसकी व्याख्या करेंगे, चित्यंकुरादिकम पक्ष, चित्यंकुरादि क्या है पक्ष है, क्षिति से क्या लेना कार्य रूपा पृथ्वी, ये कारण रूपा जो परमाणु है उसको तो ईश्वर ही पैदा नहीं करता है ना, ईश्वर कर्तृ है क्या परमाणु नहीं, वो तो नित्य है, ईश्वर ने परमाणु को बनाया नहीं है, इसीलिए उसमें अति अति निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ेगा पृथ्वी ने स्थूल पृथ्वी मैंने कार्य रूपा पृथ्वी, कारण रूपा सूक्ष्म नहीं लेना, स्थूला पृथ्वी। अंकुर शब्द से क्या लेना वेणुकम, आदि से क्या लेना तद्घट, एक विशेष कार्य ले लो, दृष्टांत तक घट से अलग करके तद्घट करके ले लेंगे, मेघोवा अथवा तो बादल, ये भी कोई आदमी तो नहीं बनाया ना, आदमी बनाता है क्या बादल, नहीं बना सकता, बहुत कोशिश किया गया, विशेष बना दिए इन लोगों ने दवाइयाँ केमिकल्स से रासायनिक पदार्थों से मिला बुलो करके, और हेलीकॉप्टर से छोड़ देंगे बादल बन जाएगा, वो बादल पानी बरसेगा, कोशिश किया है कई जगह, भारत में भी कोशिश किया गया, विफल नहीं कर सकते, बादल बना भी दे किसी प्रकार से उसे बारिश होती है वो पानी से कुछ लाभ भी होगा किसी को, नकली बादल नकली पानी नकली सब, लेकिन हुआ ही नहीं, बेचारे कोशिश किए बादल से ऐसा हुआ भी हो काला काला सा दिखने लगा वहां ऊपर आकाश में, वो हेलीकॉप्टर छोड़ दे गए, नीचे खड़े हैं देख रहे हैं क्या बादल बादल हो गया काला 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 हो, अरे वो तो काला क्यों रासायनिक की वजह से हुआ था, रसायन की वजह से बादल तो था नहीं उसे, ना पानी थी, काला सा हो गया हवा में से उड़ गया गाने का तो उल्टा धुएं का प्रदूषण जैसे प्रदूषण हो गया फालतू के। इसलिए मेघ को ले लिया, मेघ भी ईश्वर कर्तृ की होता है, मेघो वाग्राय अत्र क्षितित्व अंकुरत्वम तद घटत्वम मेघत्वम आदि च इति न पक्षतावच्छेदकम्, यहाँ पक्षता का अवच्छेद क्या लोगे, जब क्षिति बनाओगे पक्ष तो क्षितित्व नहीं लेना, अंकुर बनाओगे अंकुरत्व मैंने द्वणुक द्वणुकत्व ये नहीं लेना, पर ये पक्षतावच्छेद महान गौरवकारी होगा, वही बता रहे क्यों बताएंगे सब समझाएंगे, देखिए इनको अवच्छेद पक्षतावच्छेद नहीं कर सकते, क्षितित्वम अंकुरत्वम तद्घटत्वम मेघत्वम आदि चैति न पक्षतावच्छेद, किंतु तत्रय साधारण इन सभी में सर्वसाधारण रूप में रहने वाला एक है स्वरूप संबंध, स्वरूप संबंधात्मकम
कार्यत्व पक्षता उन सब में क्या है कार्यत्व है, कौन सी कार्यत्व लेना, हेतु से अलग करना है ना हमें, इसलिए इसको स्वरूप संबंध रूपा कार्यत्व लेंगे, स्वरूप संबंध रूपा कार्यत्व वो पक्षता का अवच्छेद हो जाएगा। और वहां क्या है सामान्य जो कार्यत्व है हेतु में कार्यत्व अवच्छिन्न कार्यम ये हमने हेतु बना दिया था इसे। और स्वरूप संबंध रूपा कार्यत्व अवच्छिन्नम क्षेत्रादि ये कार्यत्व यहाँ आ जाएगा, तो दोनों कार्यत्व में भेद हो जाएगा, पक्षतावच्छेद में और हेतुतावच्छेद दोनों भिन्न भिन्न हो जाएंगे। पक्षतावच्छेद क्या है स्वरूप संबंधात्मक कार्यत्व है कि नहीं, और हेतुतावच्छेद क्या है कार्यत्व रूप सर्वसामान्य जो अवच्छेदक होता है वो है कि अवच्छेदक हमेशा एक ग्रंथि लिख दिया अवच्छेदक निरुक्ति नाम से, संक्षेप में उसका सार यहां बता देंगे आपको। अवच्छेदक किसको कहते हैं, उन्हें विचार किया भाई जो दूसरे से अलग कर सके, दूसरे से हमें अलग करना है। घट का अवच्छेदक हम घटत्व कहते हैं, क्यों कहते हैं क्योंकि वह घटत्व घट को पट से अलग कर देता है। लेकिन क्या घटत्व ही घट को पट से अलग करेगा, और भी तो धर्म हो सकते हैं, और भी तरीके से हम अलग कर सकते हैं। तब उन्हें कहा इसलिए अवच्छेदक दो प्रकार का माने, एक संबंध रूपा एक धर्म रूपा, संबंध और धर्म। धर्म इसलिए कहते हैं जाति नहीं कह रहे हैं कि आकाश में जो आकाशत्व है, आकाश में आकाशत्व है ये जाति नहीं है, एक वस्तु में कभी जाति नहीं होती। कि आकाश कितने हैं, एक ही है, दो तो है नहीं, तो जाति कहां से। इसे उन्होंने धर्म का, धर्म भी अवच्छेद हो सकता है और धर्म कहने से आपका जाति भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति करने से धर्म नहीं पकड़ सकते आप। धर्म एक व्यापक शब्द है, धर्म के अंतर्गत जाति भी आ जाता है लेकिन जाति के अंतर्गत धर्म नहीं आएगा, न्यायिकों की परिभाषा। इसे उन्होंने कहा अवच्छेद दो प्रकार का, एक संबंधात्मक है एक धर्मात्मक है। और संबंध भी क्या लेना, कहीं तादात्म्य संबंध हो सकता है, कहीं स्वरूप संबंध, दो ही नहीं, अवच्छेदक में दो ही संबंध होता है। और जो संयोग समय आदि है संबंध है वो संसर्गता का अवच्छेदक बनेगा, वस्तु का अवच्छेदक नहीं बनेगा। प्रकार बताया था कल भी, संसर्गता प्रकारता विशेषता, उसे जो प्रकारता है रूप अवच्छेदक, प्रकारता का जो अवच्छेदक है उसमें स्वरूप या तादात में ही संबंध हो सकता है, संबंधात्मक अवच्छेदक। और धर्म होंगे जैसे घट में विशेषता रहती है और घटत्व में क्या है प्रकारता, और संसर्ग क्या बनेगा घटत्व घट के साथ समय संबंध, या घटवत भूतलम कहोगे भूतल और घट के बीच में संयोग संबंध, वो संसर्गता का अवच्छेदक बनेगा। विशेषता में जो तीन चीजें हैं संसर्गता प्रकारता विशेषता, उनमें से संसर्गता का अवच्छेदक कौन होगा, संयोग समय संबंध विशेष हो जाएंगे। और जो लंबे लंबे संबंध कल्पना हम लोग करते हैं जितनी भी, ये सब क्या है संसर्गता का अवच्छेदक होगा, प्रकारता का नहीं। प्रकारता का अवच्छेदक जो होगा या तो धर्म या तो स्वरूप संबंध, और विशेषता का अवच्छेदक हमेशा तादात्म्य संबंध ही होता है, जो घट घट में तादात्म्य से रहता है। पर्वतो निमान, पर्वत यहां विशेष हो गया तो पर्वत में पर्वत के संबंध रहेगा तादात्म्य संबंध से, इसलिए लोग बोलते तारे संबंध अवच्छिन्न पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वत निष्ठ विधेयता, नहीं पर्वत निष्ठ उद्देश्यता या विशेष्यता। विधेय कौन है वह वन्य को पर्वत विधान कर रहे हैं उसमें विधेयता रहेगी, वन्य की समझ रहती है संयोग संबंध से, संयोग संबंध अवच्छिन्न वन्यत्व अवच्छिन्न वन्य निष्ठ विधेयता अनुमिति होती है पर्वत अनिमान, यह प्रक्रिया है। इसीलिए विशेषता हमेशा तय संबंध अवच्छिन्न होती है, संसर्गता निर्भर होता है वस्तु किस संबंध से रह रहा है कहाँ रह रहा है उन सब पर निर्भर होकर के संयोग समय आदि यानी एक पर लंबी लंबे संबंध जो काल्पनिक संबंध है वे सब आ जाएंगे उसमें। और प्रकृता का अवच्छेद हमेशा या तो स्वरूप संबंध होगा या तो धर्म होगा, ये इनका नियम। इसे संसर्गता का अवच्छेदक प्रकारता का अवच्छेदक और विशेषता का अवच्छेदक, विशेषता अवच्छेदक अधिकतर हमेशा तादात्म्य संबंधी होता है,
संसर्गता उच्चक संयोग समय आदि अनेक वृत्ति नियामक संबंध हो सकते हैं या काल्पनिक जो वृत्ति नियामक संबंध बना लेते हैं वो हो जाएंगे। इन प्रकारता का जो अवच्छेदक होगा वो हमेशा या तो स्वरूप संबंध होगा या तो तत्त्व धर्म होगा। अतः कार्य में भी कार्य एक चीज है, हम कार्य कह देते हैं, कोई भी चीज कार्य कह दिया वो कार्य भी इसलिए तीनों में देख लेंगे ना, जब कार्यम कहते तीन चीज दिमाग में आएगा संसर्गता प्रकार का विशेष, यानी कार्य में ज्ञान जब हुआ आपको, जैसे ज्ञान होगा तो तीन चीज आ जाएंगे अपने आप ग्रहण हो जाता है दिमाग में, संबंध ग्रहण हो जाएगा उसका धर्म भी ग्रहण हो जाएगा तभी जाकर के वस्तु ग्रहण होगा। संबंध और धर्म ग्रहण के बिना वस्तु ग्रहण नहीं होता कोई भी वस्तु। अच्छा कार्य में हमने कहते ही हमारे दिमाग में तीन चीज आ जाएगी, संसर्गता प्रकारता विशेषता। कार्य में ज्ञान होने का मतलब क्या, आपको तीनों चीज आ गया केवल विशेषता नहीं, पहले हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या थे किंचित इदम बताया था ना, निर्विकल्प ज्ञान किसको कहते हैं, निष्प्रकारकम ज्ञानम, हमारे ज्ञान जो होगा सब प्रकारक होगा, निष्प्रकारक में विशेष का कभी ग्रहण नहीं होगा, किंचित इदम इतना ही होता है बोध, आया था ना तर्क संग्रह में। जब भी विशेष ग्रहण होने का मतलब है प्रकार और संसर्ग सहित ही होगा, इसे सब प्रकारम का क्या किया था, सब विशेषगम ज्ञानम सब संसर्गम ज्ञानम, तीनों लक्षण एक ही का, सब प्रकारगम ज्ञानम सविकल्पगम ये भी लक्षण हो सकता है, सब विशेषगम ज्ञानम सविकल्पगम सब संसर्गम ज्ञानम सविकल्पगम, क्योंकि बिना संसर्ग का विशेष नहीं, बिना विशेष का प्रकार नहीं, बिना प्रकार का संसर्ग नहीं, ये तीनों एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकते। कहा हुआ पहले भ्रम नहीं हुआ ना, पहले कहा भ्रम थोड़ी वो भी यथार्थ है, क्यों नहीं वो हो, हाँ वो स्पष्टीकरण हुआ ना, इसका मतलब भ्रम कहाँ हुआ, भ्रम वो हो गया तो उसका बाद हो जाए, बाद कहाँ हुआ आपने नेदम कह दिया आपने कुछ किंचित इदम आपने कहा तो किम इदम पूछा आपने कहा घट इतना ही कहा खंडन कहा गया न किंचित इदम कहा गया, अयम सर्प का निकट नायम सर्प बोलोगे तब मैं उसको भ्रम कहूंगा। किसी चीज को भ्रम कहने से पहले सोचना पड़ेगा क्या उसका बाद हो रहा है, यदि बाद नहीं है वो प्रामाणिक ज्ञान है, क्या वो स्पष्ट है अस्पष्ट हुआ अलग चीज है, स्पष्ट नहीं हुआ और आपने चार प्रश्न पूछा तब उसे जवाब निकली तब स्पष्ट हो जाएगा एक अलग चीज बात है, उतने से भ्रम नहीं कह सकते, अस्पष्ट प्रमा ज्ञान स्पष्ट प्रमा ज्ञान होगा, इसे हम उसको प्रमा का दो निर्विकल्पक सविकल्प दोनों ही प्रमा का ही ज्ञान।